अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की अच्छे से तैयारी करे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस्लामिया तक तैयारी के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वो बताऊंगी कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कौन कौन से हैं। और अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें तो इंशाल्लाह आपके पेपर की फुल पेपर की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और मोस्टली स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि हम इस्लामिया तक तैयारी में मतलब फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं कि हम कौन सा चैप्टर याद करें, कौन सा ना करें, या मतलब किस तरह से याद करें, या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके फुल पेपर की कम वक्त में अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सो लेट सी, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ रहा है सवाल नंबर 2, ये आपका मुतलिफा याद का तर्जमा यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे वो रबी जिद इनमा, और हमारे पास इसी तरह बाकी जो आयात है वो आपकी गिवन है और इन तमाम आयात को आपने लाजमी याद करना है। इसके अलावा हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आ गया आपका शुगर के लफ्ज़ी मायनी मफहूम और इसकी इकसाम, और इसके अलावा हमारे पास आ गया सबर के लफ्ज़ी मायनी और इस्लाही मफहूम तहरीर करें, इसी तरह हमारे पास आ गया सबर के 4 फ़ायद और सबर का हकीकी मफहूम बयान करें। सो सबर का जो मफहूम है वो अगर आप मतलब एक ही दफ़ा इसका मफहूम हकीकी और लघवी तौर पर अगर आप याद कर लें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मतलब ये पूरे सबर के फ़ायद और मफहूम फ़ायद जो हैं वो आप खुद से भी कर लिख सकते हैं, लेकिन इसके आपके जो फ़ायद हैं या इसके मफहूम के बारे में आप जो भी लिख रहे हैं वो आपका बुक से मैच होना चाहिए, आपका उसके मुताबिक होना चाहिए। सो लेट्स सी, जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तहजीब का लघवी मायने और इस्लामी मफहूम, या आपके जो 4 क्वेश्चन हैं ये तहजीब के ऊपर हैं, जिसमें तहजीब का लघवी मायने व मफहूम, उसके अलावा तहजीब का इस्लाही मफहूम। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया तहजीब और कल्चर में फ़र्क, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इसी तरह आ गया आपका अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, इस आयत का तर्जमा लिखें। नेक्स्ट वन ये सब्र के मुतलिक एक हदीस का तर्जमा तहरीर करें, अफजल जिक्र कौन सा है उसके बारे में तहरीर करें, जिक्र की अहमियत पर हदीस का तर्जमा तहरीर करें। नेक्स्ट वन तमद्दुन की तारीफ बताएं और अफू का 2 फ़ायद बयान करें। नेक्स्ट वन अफू के अहमियत के बारे में कोई से 2 नकात तहरीर करें, अदल की तारीफ बयान करें, अदल के बारे में एक कुरानी आयात अदल एहसान का में फ़र्क वाजिया करें। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आ गया इस्लामी तहजीब के 2-4 अनासिर तहरीर करें। नेक्स्ट वन एज़ नमाज और रोज़े के अरबी अल्फाज तहरीर करें। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आ गया तहजीब इस्लामी से हज की इबादत का जो ताल्लुक है इसकी वजाहत करें। नेक्स्ट वन ए सबर के बारे में एक आयत का तर्जमा। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में माफ़ी की एक मिसाल तहरीर करें। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आगे योम आखिरत का मफहूम तहरीर बयान करें और रज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 2 अदल की मिसालें दें। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया मामलात में एहसान से क्या मुराद है और तस्बीह फातिमा तहरीर करें। नेक्स्ट वन एज इस्लामी तहजीब के 4 खसूसियात तहरीर करें और इसके अलावा हमारे पास आगे इस्लाम का तसव्वुर खिदमत खल्क क्या है 2 सतहों में बयान करें, एहसान के 2 फ़ायदे तहरीर करें और तौहीद की वजाहत करें। नेक्स्ट वन इस्लामी तमद्दुन से क्या मुराद है एंड अच्छे अखलाक की कोई से 2 फ़ायदे तहरीर करें, आई लिए ज़िंदगी की अहमियत बयान करें, कलमा शहादत का तर्जमा तहरीर करें और हमारे पास आ गया इसी तरह कुव्वत के मफहूम बयान करें। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया वालदैन के 2 फ़राइज़ बयान करें, आली ज़िंदगी में कौन कौन से लोग शामिल हैं उनका बयान में बयान करें, तहजीब इस्लामी ने मगरबी तहजीब पर बहुत से असरात डाले हैं इनमें से कोई से 2 की निशानदेही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आली ज़िंदगी के 4 फ़ायद तहरीर करें। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया कुरान एक जामिया किताब है, वजाहत करें तहजीब तमद्दुन में फ़र्क तहरीर करें। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया निकाह निफ्स ईमान है, वजाहत बयान करें। नेक्स्ट वन वालदैन के कोई से 4 हकूक बयान करें, वालदैन के बारे में एक कायद का तर्जमा तहरीर करें, 4 इलामी किताब के नाम तहरीर करें, माओ के मतलब हजू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 इशादात तहरीर करें। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया माशा फत के इखलाक को किस तरह मुतासर करता है बयान करें, औलाद के हकूक में निकाह की वजाहत करें। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया नमाज की अहमियत पर एक आयत का तर्जमा लिखें, रोज़े के 4 फ़ायदे तहरीर करें, जो जैन के से क्या मुराद है बीवी के हकूक तहरीर करें। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया इस्लामी तहजीब की तहरीर करें और 5 अरकान इस्लाम की तहरीर करें। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ गया इस्लामी तालीमात की रूह से आयली ज़िंदगी में मर्द को क्या हैसियत हासिल है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया हकूक के लघवी मायने और सलाह के मायने बयान करें, खावंद के कोई से 2 फ़राइज़ बयान करें। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया अखलाक की अहमियत पर एक हदीस का मुबारका का अहमियत तर्जमा बयान करें। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया निकाह आधा ईमान है इसकी वजाहत करें, इस्लाम से पहले दुनिया भर में औरत की हालत ज़ार के बारे में कोई से 2 निकात बयान करें। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया तकवा के दर्जात की वजाहत करें और जो जैन किसे कहते हैं बीवी के 2 कोई से 2 फ़राइज़ तहरीर करें, और उसके अलावा हमारे पास आ गया तकवा की मफहूम उसकी अहमियत के वाजिया पर कोई से 2 निकात और तकवा के मरकज़
तकवा का मरकज दिल है, इसकी वजाहत करें। नेक्स्ट वाला, तकवा के कोई से दो फायदे और इसके दो अहम निकात तकाजे बयान करें। बीवी के कोई से चार हकूक बयान करें और इस्लाम में औरत का मुतबा क्या है वो बयान करें। उसके अलावा जिक्र की इकसाम बयान करें, औरत के लिए खावन की मिरास में कितना हिस्सा है। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन आ गया, हजरत काब ने तकवा की कैसे वजाहत की फरमाई, उसको बयान करें। तलाक और खुला का फर्क बयान करें। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया, शिकर का इस्लाही मफहूम बयान करें। आली जिंदगी का मकसद बयान करें। महर की तारीफ बयान करें। उसके अलावा शुक्र के बारे में कुरानी आयत का तर्जमा लिखें और शुक्र के बारे में एक अहादीस का तर्जमा लिखें। नेक्स्ट वन, औलाद के दो हिस्से दो फ़राइज, बीवी के चार फ़राइज और उसके अलावा शुक्र का लघवी मायने और मफहूम और उसके इकसाम बयान करें। बस सब्र के चार फ़ायद और उसके अलावा सब्र का हकीकी मफहूम बयान करें। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया, तहजीब के इस्लामी मफहूम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, उसको वजाहत करें। और अफजल जिक्र कौन सा है उसके बारे में लिखें और जिक्र की अहमियत पर एक अहदीस का तर्जमा लिखें। इस्लामी तमद्दुन के चार खसूसियात और इस्लामी तमद्दुन के दो अवामिल की वजाहत करें। सो स्टूडेंट्स, जो जो क्वेश्चन आपके मैं रीड आउट करते जा रही हूँ वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आपने लाजमी याद करने हैं और बाकी क्वेश्चंस वो भी साथ साथ देखते जाएं। अगर आप इनको एक दफ़ा समझ ही लेंगे तो आपके पेपर्स की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन थ्री आपका आ गया, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की पेयरिंग के अकॉर्डिंग। सो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इस्लामी नुक्ते नज़र में तालीम के मकासद बयान करें और इसके अलावा पड़ोसी के बारे में एक हदीस का तर्जमा और हमसाय की इकसाम तहरीर करें। एक आम मुसलमान के लिए किस कदर दीनी तालीम इल्म हासिल करना ज़रूरी है उसके बारे में बयान करें। और इसके अलावा हमारे पास आ गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की दो किस्में बताईं, वो दो किस्में कौन सी हैं और इनकी से क्या मुराद है, हक़ शफी किसे कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ गया, इल्म की माशरती अहमियत पर नोट लिखे। जदीद इस्लाही में शहरी किसे क्या मुराद है, उलमाए अंबिया के वर्षा हैं, वजाहत करें। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया, तलीम नस्वा की का क्या हुक्म है और शहरी के दो से दो फ़राइज़, शहरी की तारीफ लिखें और उसके अलावा आ गया, इस्लामी रियासत का मकसद बयान करें। शगीद के दो फ़राइज़ लिखें और उसके अलावा इल्म की अहमियत और इसके एक हदीस में तर्जमा लिखें। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया, इस्लामी रियासत की तारीफ और इसके कोई से दो फ़राइज तहरीर करें। नेक्स्ट वन, इस्लामी रियासत की कोई से दो हकूक और इसके दो कोई सिख दो खूबियाँ बयान करें। नेक्स्ट वन, इसी तरह आपका क्वेश्चन आ गया, इल्म की फजीलत के बारे में किसी हदीस का तर्जमा लिखें। उस्ताद के दो हकूक तहरीर करें। दमयून के कोई से दो हकूक बयान करें। उसके अलावा आ गया, मकबत के लफ्जी मायने तहरीर करें। और हमारे पास आ गया, रियासत के अनासर तरकीबी बयान करें। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया, उम्मत औस से क्या मुराद है और उम्मत और कौम में क्या फ़र्क है। उसके अलावा हमारे पास आ गया, कुरान मजीद की रोशनी में मस्जिद की अजमत बयान करें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारे पास इस तरह के, मकबत की मकतब की अहमियत बयान करें। अख़ुवत से क्या मुराद है, अख़ुवत के फ़ायदे तहरीर करें। उसके चार अख़ुवत के चार तकाजे तहरीर करें। गिबत के दो नुकसान तहरीर करें। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया, एक अच्छे उस्ताद की चार खूबियाँ बयान करें। और उसके अलावा हमारे पास आ गया, तबलीग के लघवी मायने और इस्लाही मायने बयान करें। मस्जिद के कोई से दो मकासद तहरीर करें। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया, वजाहत कीजिए कि मस्जिद के एक अजीम तरबियत गाह है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, तबलीग के कोई से दो तरीके बयान करें और तबलीग के कोई से दो अहम असूल बयान करें। तबलीग की हिकमत की वजाहत करें। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, मुबलक के औसाफ बयान करें। उसके अलावा इल्म की अहमियत की रामजी की रोशनी में बयान करें। और मस्जिद के कोई से दो फ़राइज़ लिखें। मदीना की दो मस्जिद के नाम लिखें। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया, लफ्ज़ माशे में का मफहूम बयान करें और इस्लामी माशे में दो अहम जिम्मेदारियां तहरीर करें। और इसके अलावा अमर बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की वजाहत करें। उसके अलावा हमारे पास आ गया, जहाद की अहमियत और जहाद जंग और जहाद में जो फ़र्क है वो तहरीर करें। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया, जहाद बिल सैफ से क्या मफहूम बयान करें और जहाद बिल कलम और जहाद की इकसाम और हमारे पास आ गया, जहाद माल, ये इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको पता चलना चाहिए कि हमारे पास जहाद की कौन कौन सी इकसाम है और जो आगे इकसाम गिवन है उनका मफहूम बेसिकली क्या है। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया, सिला रहमी से क्या मुराद है, इस्लामी माशरे की तारीफ बयान करें और माशरे के में रहने वाले इंसान से क्या फ़ायदा हासिल करता है और क्या नुकसान उठाता है। रिश्तेदारों से हुसैन सलूक के बारे में एक हदीस का तर्जमा लिखें। और इसके अलावा जहाद और कताल में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आ गया, आपका जहाद के बारे में कोई सी कुरानी आयत का तर्जमा लिखें। और इसके अलावा रिश्तेदारों के चार हकूक तहरीर करें और जहाद बिल अम के कोई से दो फ़ायदे बयान करें। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया, क्वेश्चन नंबर फोर जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसी पेरिंग स्क्रीन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन हमारे पास इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट वाला वो देखें, अरब के जोग्राफियाई अहमियत और अरब बिल बाइदा की तारीफ बयान करें। गज़वा बदर के बाद कुरैश का सरदार कौन था। उसके अलावा गज़वा उहद में के
नुकसान की दो वजूहात तहरीर करें और गज़वाए उहद में मुसलमानों की तादाद कितनी थी उसके बारे में बयान करें। गज़वाए उहद में शहीद होने वाले दो सहाबा कराम के नाम तहरीर करें। उसके अलावा हमारे पास आ गया अरबों की बुत परस्ती का बानी कौन था। गज़वाए उहद में हज़रत अब्दुल्ला बिन जबैर का किरदार अदा करें। सो नेक्स्ट हमारे पास किरदार बयान करें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कबल इस्लाम अरबों की माशरती हालत तीन सत्रों में बयान करें। और उसके अलावा बनु करीज़ा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजा सख्त सजा क्यों दी उसके बारे में वजाहत करें। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया अरब के दो मशहूर बुतों के नाम तहरीर करें। गज़वा खंदक कब और कहाँ लड़ी गई उसके बारे में बयान करें। उसके अलावा इस्लाम में कबल इस्लाम से कबल अरबों की मजहबी हालत बयान करें। और उसके अलावा हमारे पास आ गया बैतुल रिज़वान की अहमियत बयान करें। उसके अलावा अरबों की दो माशरती खूबियाँ बयान करें। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया फतह मुबीन किस माहदे को कहा गया है वजाहत बयान करें। कौन सा वाक़ फतह मक्का का सबब बना। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया सुलह हुदैबिया कब और किस मुकाम पर हुई। सुलह नामा हुदैबिया पर मुसलमानों और कुफार की तरफ से दस्तखत करने वालों के नाम बयान करें। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और वालदा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का क्या नाम रखा। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया इस्लाम से कबल अरबों की सियासी हालत के मतलब दो नुकात बयान करें। नेक्स्ट वन बैतुल रिज़वान से क्या मुराद है। और उसके अलावा हमारे पास आ गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान और कबीला कौन सा था। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया सुलह हुदैबिया के नतायज बयान करें। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया खैबर के दो यहूद कबाइल के नाम तहरीर करें। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका क्वेश्चन आ गया गज़वा खैबर में हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा की खिदमात बयान करें। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया कोई से दो गैर अरब मुसलमान अगलामों के नाम तहरीर करें। नेक्स्ट वन आमिर कफीर से क्या मुराद है। फतेह मक्का में मुसलमानों की तादाद कितनी थी और शहदा के तादाद बयान करें। नेक्स्ट वन हल्फ़ फजूल के बारे में तीन सतरें बयान करें। और फतेह मक्का पर कितने काफर कत्ल और कितने मुसलमान शहीद हुए। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया गज़वा हुनैन के नतायज दर्जाल हैं। गज़वा तबूक के दो नतायज बयान करें। गज़वा हुनैन के नतायज और गज़वा तबूक के नतायज बयान करें। नेक्स्ट वन पहली वही काबुर कहाँ नाज़िल हुई। पहली वही की कितनी आयात और कौन सी सूरत है। नेक्स्ट वन हमारे पास इससे आ गया शहीद अबी तालिब की वजाहत करें। और उसके अलावा अमल फौत से क्या मुराद है। और खुतबा हुज्जतुल विदा के कुछ से चार नुकात बयान करें। यहाँ का मौसम बोल रहे हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास इससे आ गया पहली वही का तारुफ तहरीर करें या बयान करें। खुतबा हुज्जतुल विदा के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। उसके अलावा खुतबा हुज्जतुल विदा कब और कहाँ दिया गया। नेक्स्ट वन हमारे पास इससे आ गया आपकी वलादत यहाँ सआदत की तारीख में दिन बयान करें। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया आमुल हजन में किन दो शख्सियात का वसाल पाया। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदैन करेमेन के अस्माए करामी बयान करें। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और दादा का नाम तहरीर करें। खुलफाए राशिदीन के नाम तरबियत तरतीब से तहरीर करें। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया हजरत अबू बकर सदीक की सीरत की कोई सी चार खूबियाँ तहरीर करें। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया फितमा और अर्तदाद से क्या मुराद है और दौरे सदीकी की दो तीन झूठे नबियों के नाम लिखें। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आ गया आपका हज़रत हमजा ने कैसे इस्लाम कबूल किया और हज़रत हिजरत हबशा के का मुतसिर हाल तहरीर करें। नेक्स्ट वन दूसरी हिजरत का हिजरत हबशा का की वजह बयान करें। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन आ गया सफ़र ताइफ के बारे में चार सत्र तहरीर करें। नेक्स्ट वन बैत उकबा सानी से क्या मुराद है वो कब हुई और हजम अबू बकर ने दो इब्तदाई मुश्किलात बयान करें। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आ गया सफ़र हिजरत में गारे सोर में क्या एम का वाक़या तहरीर करें। खुलफाए राशिदीन के इस्माई ग्रामी बयान करें। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया क्वेश्चन मदीना में आबाद यहूद कबाइल का नाम तहरीर करें बयान करें। नेक्स्ट वन इस हज़रत अबू बकर के एसार के बारे में दो सतह बयान करें। नेक्स्ट वन फारूक का लकब किस सहाबी को मिला और नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आ गया हिजरत मदीना के दो असबाब तहरीर करें और जंग कुदसिया कब और किन के दरमियान लड़ी गई। नेक्स्ट वन हज़रत उमर के दो फौजी खिदमात बयान तहरीर करें और कबलाए उस और खजरत की वजाहत तहरीर करें। मौक़ात मदीना से क्या मुराद है। कुरैश मक्का की मुखालफत के दो असबाब तहरीर करें और हज़रत उमर ने कैसे इस्लाम कबूल किया। इसी तरह हमारे पास आ गया हज़रत हिजरत मदीना के चार असबाब तहरीर करें। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आ गया हिजरत मदीना की अहमियत और बैतुल उकबा ओला के मुतसिर बयान करें और मुहाजरीन अंसार का मफहूम बयान करें। मिसाक मदीना के कुछ से दो नुकात और दो शराइत बयान करें। गज़वा और सरिया
शरिया में क्या फ़र्क है। इसी तरह हमारे पास आ गया गजबा मुसलमानों की और काफिलों की तादाद बताएं। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया हज़रत उस्मान ने ज़ुरन नैन को क्यों कहा जाता है। और उसके अलावा हमारे पास आ गया अब्दुल्ला बिन सबा के किरदार के मुसलसिल नोट तहरीर करें। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत कब और कहाँ हुई। औलियात उमर के से क्या मुराद है। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आ गया हज़रत उमर का आखिरी खिताब मुतसिब बयान करें और हज़रत उस्मान की हया के मतलब कोई सा एक वाक्य बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका इसी तरह के हज़रत अली का मुतसर और खूबसूरत तारुफ करवाइए। हज़रत अली के दौर में होने वाली दो जंगों की वजह बयान करें। नेक्स्ट वन खिलाफत राशिदा की कोई सी चार खसूसियात तहरीर करें। नेक्स्ट वन अरब को अरब कहने की वजह क्या है। उसके अलावा कबल अज इस्लाम अरबों की दो बड़ी बुराइयां तहरीर करें। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया अरब की वजह से तस्मिया क्या है। नेक्स्ट वन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ गया। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आपको पेरेंट स्कीम के अकॉर्डिंग दिए गए हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ये तमाम और स्टूडेंट सबसे पहले जो है पेपर की तैयारी आपने कैसे करनी है कि सबसे पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, फिर उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और इसके एमसीक्यूज एंड पे कीजिएगा। मतलब सबसे पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं और उसके अकॉर्डिंग मतलब सारे जब आंसर याद हो जाएंगे तो इसमें आपको तकरीबन 70% जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी तैयारी आपको इन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में हो जाएगी। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपके करेक्ट होने चाहिए, मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया उसी से रिलेट करना चाहिए, लेकिन जो है आपका जो आंसर है वो बिल्कुल अच्छा आना चाहिए, उसके मुताबिक होना चाहिए। आप खुद से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ गया इस्लामी तहजीब के अनासिर पर मुफसिल रोशनी डालें और इसके अलावा जिक्र इलाही के फ़ायद और समरात की तफसील से बयान करें। इस्लामी तहजीब की खसूसियात पर जामिया नोर लिखें, मियाँ बीवी के हकूक की तफसील से बयान करें। नेक्स्ट वन अफू से क्या मुराद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की मिसालें दें। नेक्स्ट वन आ गया हमारे पास वालदैन के हकूक बयान करें। अफू से क्या मुराद है। अस्वाए हसना की रोशनी में इसकी मुतिम मिसालें बयान करें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका आ गया हिजरत मदीना के असबाब तहरीर करें और इस्लाम में जहाज क्या की क्या अहमियत है और इसके एग्जाम बयान करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 आ गया जिसमें आपका इस्लामी रियासत की खसूसियात बयान करें, उसके अलावा सुलह रहमी की तारीफ करें और रिश्तेदारों के हकूक बयान करें। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अखलाक पर तफसीली नोट लिखें। तबलीग से क्या मुराद है। कुरान और सुन्नत की कुरान और हदीस की रोशनी में मुबलक के औसाफ बयान करें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, खुतबा हिज्जतुल विदा के अहम निकात और इसके अलावा हमारे पास गज़वा बदर के नतायज वाक़ियात और गज़वा उहद के वाक़ियात जंगे तफसील करें। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9 जिनमें आपका आ गया हज़रत उस्मान पर और उसके अलावा हज़रत अली और इन पे मतलब आपने नोट लिखना है इनकी सीरत और करदार पर, उसके अलावा हज़रत उस्मान की शहादत के असबाब तहरीर करें। हज़रत उमर की भी सीरत के निज़ाम हुकूमत पर तफसील लिखें। नेक्स्ट आपका आ गया सुलह हुदैबिया के असबाब और शराइत तफसील करें, यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अलावा खिलाफत राशिदा की नुमाया खसूसियात बयान करें। सो स्टूडेंट्स ये आपके थे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि मैंने रीड आउट किए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। मैंने साथ साथ रीड आउट कर दिए और आपको बता देगी कि ये आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पास्ट पेपर्स में काफ़ी बार आ चुके हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। उम्मीद है कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से प्रेजेंटेशन दीजिएगा और उसके अलावा आप पेपर की मतलब किस तरह भी से भी पेपर के अंदर मटेरियल पुट करके आ रहे हैं लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी देंगे तो आपके इंशाल्लाह मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।